हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हम यहां पर जो यूटेट का पेपर आपका कल हुआ था, इसी का यूटेट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का यहां पर लैंग्वेज द्वितीय हिंदी भाषा, इसका हम यहां पर सॉल्यूशन आपको देंगे। दोस्तों, हम सॉल्व करके आपको इसको दिखाएंगे। इसमें हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये है कि आपको खाली आंसर बता देना नहीं, आपको प्रत्येक पहलू से उसको अवगत कराना है और क्वेश्चन को समझाना है क्या उसका भाव है, और उस क्वेश्चन से पूरी डिटेल आपको बतानी है। हम प्रत्येक क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, हम कोई खाली सीधे सीधे आंसर बताने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो बने रहिए। पूरा ग्रामर इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन आए सब पूरा अच्छे से समझाऊंगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जहां पर आपको लगा कि अच्छा वीडियो है, अच्छा समझाया है, वहीं पर सीधे लाइक कर लेना सबसे पहले दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। दोस्तों, पहला इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं आप 61 से 65 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया है, तो उसको पढ़ के इसके आंसर क्लिक करने। एक चीज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे उस समय भी आपको बोला था, जब आप ये देखते हो ना, उस समय क्या करो, एक झलक इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले एक बार इससे क्वेश्चन जो आए हैं उन क्वेश्चनों को मोटे मोटे से हल्के से एक बार पढ़ लिया करो। उससे हमारे दिमाग में ये रहता है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको ध्यान आएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उस पैराग्राफ में उस चीज़ को अंडरलाइन कर दो, ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे उस समय तुरंत जो है उसको करने में सही रहता है आंसर क्लिक करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, प्रत्येक राष्ट्र की एक सांस्कृतिक धरोहर होती है, चलिए धरोहर होती है, जिसके बल पर वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। मानव युग में अपने जीवन को अधिक सुखमय, उपयोगी, शांतिमय और आनंदपूर्ण बनाने का प्रयास करता रहता है। इस प्रयास का आधार वह सांस्कृतिक धरोहर होती है जो प्रत्येक प्राणी को विरासत में मिलती है, और इस प्रयास के फलस्वरूप मानव अपना विकास करता है। कुछ लोग सभ्यता और संस्कृति को एक ही मानते हैं, यह उनकी भूल है। यूँ तो संस्कृति और सभ्यता में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन संस्कृति मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम है, और सभ्यता उन साधनाओं के फलस्वरूप उपलब्ध हुई जीवन प्रणाली का नाम है। सभ्यता के अंतर में बहने वाली विचारधाराओं को हम संस्कृति कह सकते हैं। संस्कृति अच्छी या बुरी हो सकती है। किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन हम उसकी संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। प्रकृति का मानव जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण हाथ रहता है। दोस्तों, ये हमारा पैराग्राफ था, पैसेज था। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। दोस्तों, हमने जितना भी ये पैसेज पढ़ा उसमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सभ्यता और संस्कृति के बारे में ये था, तो इसका शीर्षक उपयुक्त होगा सभ्यता और संस्कृति। सीधा सीधा हर कोई कर लेगा। अगला है धरोहर। दोस्तों, आप धरोहर का मतलब बिना पैसेज पढ़े भी समझते ही होंगे। इसका मतलब होता है विरासत, ठीक है। विरासत क्या होती है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चीज़ रखी गई है, ठीक है, हमको ट्रांसफ़र हुई है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो प्रत्येक प्राणी को विरासत में मिलती है, यानी कि हमारे पूर्वजों से हमको मिली है, ठीक है, तो ये इसका विरासत हो गया। उसके बाद आगे, किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन हम किस आधार पर करते हैं, ठीक है। तो किसी भी राष्ट्र की किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन हम किस आधार पर करते हैं, यहाँ पर को मैंने अंडरलाइन किया था, तो ये संस्कृति के आधार पर ही करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर को संस्कृति हो जाएगा, ठीक है, संस्कृति, ठीक है। इसमें ज़्यादा बहस करने या डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर बन जाता है यहाँ से। अगला है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। दोस्तों, तो जैसा कि आप देखें, जैसे आपने पैसेज पढ़ा था उसमें आपको ये देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर सभ्यता के अंतर में, यहाँ पर लिखा है सभ्यता के अंतर में बहने वाली विचारधारा को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभ्यता संस्कृति के अंतर में बहने वाली विचारधारा है, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संस्कृति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर को 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। संस्कृति जो है किस पर निर्भर करती है, भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंडरलाइन हमने किया है ना पैसेज में। तो क्या है, राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए सीधा सीधा हो जाता है। ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके ग्रामर वाले सेक्शन में, ठीक है।
चलिए आगे, बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? तो दोस्तों भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों की का लेखा जोखा रखने के लिए पोर्टफोलियो इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो होता है प्रत्येक चीज़ का एक लेखा जोखा रखा जाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट टाइप का जो बनाया जाता है पूरा, वो उसका जो है इसको कह सकते हैं ऑप्शन डी के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? दोस्तों देखिए दोस्तों, भाषा में सबसे पहले भाषा अगर कोई बच्चा सीखता है या कोई भी, तो क्या करेगा, सबसे पहले पढ़ना तो स्टार्ट करेगा नहीं, है ना, पढ़ना स्टार्ट तो करेगा नहीं, लिखना भी शुरू नहीं करेगा, तो बोलना, सबसे पहले कोई भी हो इंसान वो बोलना शुरू करता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे प्राथमिक रूप क्या होता है, बोलना होता है। कोई बच्चा अपने माता पिता, अपने आसपास परिवेश को देखकर उनको बोलते हुए सुनता है, देखता है, तो उसी से सीखता है, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती, बोलने से, ठीक है। अगला है भाव व्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? दोस्तों अपने भावों को अभिव्यक्त करने का, यहाँ पर कहने का मतलब यह है, भावों को अभिव्यक्त करने का सबसे उत्कृष्ट साधन कौन सा होगा, तो अपनी मातृभाषा, ठीक है, अपनी मातृभाषा में बोलना और अपने भावों को स्पष्ट करना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दोस्तों हम इंग्लिश आपको आती है, हमको भी आती है, या किसी अन्य व्यक्ति को भी आती है, तो अन्य व्यक्ति में मतलब उसकी जो मातृभाषा होगी वो इंग्लिश होगी। अगर हम अपने भावों को अगर प्रकट करना चाहेंगे इंग्लिश में, हम उतने अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर हम उसी को हिंदी में कहेंगे बहुत अच्छे से कह पाएंगे, ठीक है। अब पहाड़ी में कह देंगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, परुष का अर्थ क्या होता है? ठीक है, परुष का अर्थ जो है दोस्तों ये कठोर होता है, ठीक है। इसको आप जो परुष शब्द है इसको आप पुरुष से तुलना कर सकते हैं, या पुरुष के साथ इसको कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जन्मांध में कौन सा समास है दोस्तों, ठीक है। जन्मांध यानी कि इसका हम समासिक विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जन्म से अंधा, ठीक है। तो जन्म से अंधा आएगा तो जन्मांध। अब यहाँ पर से विभक्ति आ रही है, कौन सी आ रही है, से। अब देखिए जन्म से अंधा है तो यहाँ पर हम कर्ता ने कर्म को करण से, करण तो है ही नहीं, आप समझेंगे कि करण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर को आपको ये चीज़ पता होगा कि हम एक विभक्तियों को याद करने के लिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, करण से आता है तो वो आता है जुड़ने के अर्थ में, किसके अर्थ में आता है, जुड़ने के अर्थ में। उसके बाद संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, अपादान से आता है ना, अपादान आता है पृथक होने के अर्थ में, ठीक है। अपादान किस अर्थ में आता है, यह आता है आपका पृथक होने के अर्थ में। अब पृथक का मतलब है कि जब अलग किया जाता है किसी चीज़ को। अब दोस्तों देखिए जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा है, यानी कि उसकी आंखें उससे पृथक हुई है, ठीक है ना, यानी कि उसकी दृष्टि उससे अलग हुई है, पृथक हुई है ना, जुड़ी तो नहीं है, अंधा है तो उसकी दृष्टि पृथक हो गई उससे, तो हम इसको अपादान तत्पुरुष में लेंगे, ठीक है ना, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो किसी भाषा के लिखित और मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, व्याकरण कहते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्या कहेंगे, व्याकरण, जो किसी लिखित और मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। उसके बाद लिपि किस भाषा का आधार है, लिपि किस भाषा का आधार है, ठीक है, तो ये सांकेतिक भाषा का आधार, लिपि का मतलब ही वही होता है, संकेत होते हैं उसमें, वर्ण चिन्ह होते हैं उसमें, ठीक है, चिन्हों के द्वारा जो है एक कोड टाइप का बनता है, जो उसको हम बोलते हैं लिपि, संकेतिक भाषा है, ठीक है। जैसे हमारी लिपि कौन सी, देवनागरी। अगला है कामायनी की रचनाकार कौन है, ठीक है, तो दोस्तों कामायनी के रचनाकार यहाँ पर को जो है इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद पर। तो दोस्तों देखिए जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे झरना, ठीक है, इनकी अन्य रचना झरना है, आंसू है, और लहर, ठीक है, ये भी इनकी रचना है, तितली है, एक एग्ज़ाम में आया था, तितली किसकी रचना है, पिछले या फिर पता नहीं किसी एग्ज़ाम में आया था, ये शायद टेट के ही आया था, किसी और में आया था, तो तितली, तितली किसकी रचना है, ये भी जयशंकर प्रसाद की है। कंकाल, ठीक है, कंकाल भी जो है इनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फर्स्ट में, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में आती हैं बार बार, अनामिका, परिमल, गीतिका, ठीक है, ये ऐसी रचनाएं हैं जो कई बार पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, अनामिका, परिमल और गीतिका। आपने अगर इनकी कोई और रचना भी एग्जाम में देखी तो कमेंट करके बताओ,
ठीक है। चलिए उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी, अपने अल्मोड़ा के सुमित्रा नंदन पंत जी, इनकी युगवाणी है, वीणा पल्लव, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं और मुख्य हैं, प्रमुख हैं, युगवाणी, वीणा और पल्लव। उसके बाद महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी रचनाएं आपको जैसे मिलेंगी, आपको निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, सांध्य गीत आया था कई बार और रश्मि भी कई बार आया है, तो कुछ ये हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने प्रदान की। दोस्तों आदिकाल की जो नामकरण है इसके संबंध में बहुत सारा झोल मटोल है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सही जवाब जो है रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है ना। तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी, यानी कि वीर गाथा काल कहा था। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी था, दोस्तों द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल को आदिकाल ही कहा था, ठीक है, आदिकाल को इन्होंने आदिकाल कहा था और आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। उसके बाद कुछ और भी हैं जिन्होंने इसको आदिकाल को अन्य नामों से सिद्ध किया, जैसे राहुल शांक्रत्यायन का नाम यहाँ पर आता है, तो राहुल शांक्रत्यायन जिनको हम महापंडित के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने इसको सिद्ध सामंत काल कहा था, आदिकाल को क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, महावीर प्रसाद, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने आदिकाल कहा था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्होंने कहा था बीज पतन काल, क्या कहा था, बीज पवन काल कहा था, ठीक है, बीज पवन काल। उसके बाद आते हैं ग्रियर्सन थे, एक कौन थे, ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन ने दोस्तों इसको कहा था चारण काल, क्या कहा था, चारण काल कहा था। कुछ अन्य विद्वान थे, इन्होंने इस इन नामों से इसको जाना था, हमने आपको बता दिया यहाँ पर। तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत हम भी करते हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करिए, ठीक है ना, कमेंट करिए और उसको हम सॉल्व करेंगे, इम्प्रूव करेंगे जहाँ पर हमसे कमी रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हंस पत्रिका के संपादक संस्थापक और संपादक कौन थे दोस्तों, ठीक है, तो हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर को सही है, मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों 1930 में, 1930 में इसको वाराणसी से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, वाराणसी इसका संपादन किया गया था। चलिए अगला है, हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी कैसी भाषा, संयोगात्मक भाषा है दोस्तों, ठीक है, संयोगात्मक भाषा। संयोगात्मक भाषा क्या होती है, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर जिनको बनाया जाता है, ठीक है, प्रकृति और प्रत्यय। अब मैंने यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र किया, नंबर एक की प्रकृति, ठीक है, और दूसरा मैंने किया प्रत्यय, दो चीज़ों का जिक्र किया, ठीक है ना। तो इन दो चीज़ों में दोस्तों प्रकृति क्या होती है, जो मूल शब्द होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, और उसके पीछे जिसको संबंध दिखाने के लिए या संबंध स्थापित करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं या जिसको जोड़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, ये चीज़। तो जो इस तरीके से मेल से जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संयोगात्मक कहा जाता है उस भाषा को, तो यानी कि हिंदी कैसी है, संयोगात्मक भाषा है। चलिए इतना डिस्कस हुआ इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ है ना, उसका नाम जिसका आ जाता है, तो किसी भी चीज़ का नाम होगा तो वो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रामायण है, ठीक है, रामायण क्या है, एक पुस्तक का नाम है, तो पर्टिकुलर, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमारा आंसर ये सीधा सीधा हो जाता है। उसके बाद शिक्षक आता है दोस्तों, शिक्षक कोई भी हो सकता है, ठीक है, राम श्याम कुछ भी शिक्षक है, उसको कोई नाम नहीं, शिक्षकों की एक जाति को दर्शा रहा है, यानी कि ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद लोहा है, लोहा एक प्रकार का द्रव्य है, वस्तु है, चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद गाय है, गाय भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, गायों की एक जाति को यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए दोस्तों जो काल होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी, लेकिन हिंदी में देखते हैं यहाँ पर, तो काल चार प्रकार के होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल होता है। और इसी तरीके से जो है चार प्रकार के एक संदिग्ध वर्तमान काल होता है, चार होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर आप कहेंगे तो डिटेल में बता देंगे आपको कभी, ठीक है। तो हम अभी समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल में ये जानना चाह रहा है कि कौन कौन से आते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले जो है तुम जाते हो, ठीक है, तुम जाते हो है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। हम इसको अनिश्चित में डालेंगे, अनिश्चित वर्तमान काल में इसको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद वह गया था पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा भाई, ठीक है, पास्ट टेंस में चले गया ये। उसके बाद उसने खाया है, ठीक है, उसने खाया है, यानी कि ये वर्तमान में काम पूरा होने का संकेत कर रहा है, यानी कि इसने काम तो पूरा कर लिया है, लेकिन कब किया, वर्तमान समय में किया है, यानी कि हम इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि वो खा चुका है, अभी खा चुका है, वर्तमान समय में काम हो रहा है, यानी कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसने खाया है, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा हो गया इसमें से, उसने खाया है, ठीक है। चलिए उसके बाद है शायद तुमने देखा होगा, तो शायद तुमने देखा होगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जारज का विलोम है, तो जारज शब्द सबसे पहले देखिए, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी होती है, जिस चीज़ की ढूंढनी होती है सबसे पहले तो भाई उसका अर्थ पता होना चाहिए। अब जारज क्या होता है, जारज हमको इसका अर्थ पता नहीं, हमारे तो बालों के ऊपर से निकल जाएगा सीधे, है ना। तो जारज का मतलब होता है दोस्तों जो यानी कि आप कह सकते हो विवाहितर संबंध जो होते हैं, पति से पूर्व के जो संबंध होते हैं उनसे उत्पन्न संतान को हम कहते हैं जारज, ठीक है, या अलग भाषा में कह सकते हो तो नाजायज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, नाजायज जो होते हैं उसको जारज कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा फिर, जो जायज होगा, ठीक है ना, जो विवाहित पति या पत्नी से उत्पन्न संतान होगी उसको जायज कहेंगे। तो इसका इसको बोला जाता है औरस, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको बोला जाता है जायज, ठीक है, यानी कि विवाह के उपरांत पति या पत्नी से उत्पन्न जो संतान होती है उसको हम औरस बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे, जिसे मोक्ष की कामना हो, ठीक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द आपने पढ़े होंगे, तो जिसे मोक्ष की कामना होती है दोस्तों उसको मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है, मुमुक्षु कहते हैं जिसे मोक्ष की कामना होती है। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक मुरमुसा आया है दोस्तों, ठीक है, तो मुरमुसा आपको बताना है कमेंट करके, मुरमुसा का क्या मतलब होता है, क्योंकि मुरमुसा भी पूछा जाता है, मुरमुसा आपको कमेंट करके बताने हैं, आप भी एक्टिव रहेंगे ना, मैं ही एक्टिव हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे हैं इसमें मज़ा नहीं आता, आप लोग भी एक्टिव होना चाहिए आपको भी, आप मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो चीज़ आपको पता है आप उसको फटाफट जो है कमेंट करने में कमेंट कीजिए, आप मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ आप लोगों के, है ना। चलिए आगे बढ़ते, वाणिक छंद का उदाहरण है, तो वाणिक छंद देखिए, छंद जो होते हैं ना वो दो तीन प्रकार के होते हैं, वाणिक छंद होते हैं, दूसरे मात्रिक छंद होते हैं, तीसरे मुक्त छंद होते हैं, ठीक है। अब वाणिक जैसे कि आपको लग रहा है, जो वर्ण होते हैं वर्णों की गणना के आधार पर इन छंदों का इनका निर्धारण किया जाता है, और जो वाणिक छंद होते हैं ना, तो एक तो आपको पता चल रहा है कि इनको वर्णों के की गणना के आधार पर किया जाता है इनका निर्धारण, दूसरा दोस्तों इसमें जो होते हैं वाणिक छंदों के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है, ठीक है, प्रत्येक चरण में क्या होगा, वर्णों की संख्या एक समान होती है इसमें। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, तो इसमें से हमको बताना है, जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें से हमको उदाहरण बताना है जो वाणिक छंद का है, तो इसके अंतर्गत आपको जो सवैया फर्स्ट में दिया गया ये वाणिक छंद है, क्या है, वाणिक छंद है। उसके बाद नीचे दोहा सोरठा और बरवे दिया है, ये क्या है, ये मात्रिक छंद है, ठीक है, इनका निर्धारण मात्राओं के आधार पर किया जाता है, और मात्रिक छंद में जो होता है मात्राओं प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है मात्रिक छंद में, ठीक है, मात्रिक छंद उनको कहा जाता है, मात्राओं के आधार पर होता है। दोस्तों इसमें भी मात्राओं के आधार पर तो होता है, लेकिन मात्राओं मात्रिक छंद के अंदर भी इसके भेद होते हैं, ये तीन के तीन जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। CBSE वाले इंग्लिश मीडियम वालों के
हवा हवा हो सकते हैं अगर आपने इंग्लिश में ज़्यादा सॉरी हिंदी में ज़्यादा मेहनत या फिर आपकी इंटरेस्ट कम होगा तो, ठीक है ना। तो आप इतना समझ लीजिए कि वार्णिक छंद और मात्रिक छंद समझ लिए, बस हो गया। अर्ध सम मात्रिक छंद यहाँ तक अंदर तक पहुँचेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अर्थालंकार है दोस्तों। अर्थालंकार जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है अर्थालंकार क्या होता होगा, अर्थ पर जो आश्रित होते हैं ऐसे अलंकार को हम क्या कहें, अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार जो शब्द पर आश्रित होते हैं, ठीक है, यानी कि शब्दों के आधार पर उनको देखा जाता है, ठीक है, उनके शब्दों का खेल होता है उसमें। अर्थ में क्या होता है, जो भी अर्थ आते हैं पूरा जैसे पंक्तियाँ दी हैं उनको हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, उस अर्थ विभिन्न प्रकार का अर्थ निकलेगा, अर्थ में मजा है उसके, तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो अर्थालंकार है वो व्यतिरेक जो ऑप्शन बी है ये अर्थालंकार है व्यतिरेक, ठीक है। उसके बाद इसमें दोस्तों फर्स्ट में दिया है यमक अलंकार। कई बार पूछा जाता, आपने इसका एक प्रमुख जो उदाहरण था आपने सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, ठीक है। कनक वहाँ पर कनक दो बार आया है, कनक कनक, ठीक है, एक ही शब्द है, दो बार उसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों बार उसका इस्तेमाल अलग अलग, एक बार सोने के लिए इस्तेमाल होता है, एक बार गेहूं के लिए होता है। तो कनक कनक जो है एक ही शब्द है, दो बार इस्तेमाल है, दोनों जगह अलग अलग आता है, तो ऐसी स्थिति में हम यमक अलंकार मानते हैं, ठीक है। अब व्यतिरेक अलंकार है, तो व्यतिरेक अलंकार हमने तो कह दिया कि भाई अर्थालंकार है, ठीक है, वहाँ पर शब्दालंकार था, यमक शब्दों का खेल था, दो शब्द थे दोनों में अलग अलग, व्यतिरेक में हमने कहा अर्थालंकार है, इसमें अर्थ का खेल होगा। जैसे एक एग्जाम्पल इसका आता है, जो चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समानता कैसी, ठीक है, वो देखो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है, चंद्र सकलंक मतलब चंद्रमा में कलंक है, ठीक है, और मुख निष्कलंक किसी की तारीफ कर रहा है, ठीक है, अपनी हो सकता है आप समझ रहे हो तारीफ कर रहा है ना, तो बोल रहा है कि चंद्र सकलंक चाँद कलंक है, चांद में मुख निष्कलंक मुख में कोई भी कलंक नहीं है, इतना खूबसूरत है, ठीक है, तो दोनों में कोई समानता नहीं है, चांद को उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और मुख की तारीफ कर रहा है, तो दोनों में समानता कैसी, तो यहाँ पर अर्थ का खेल हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार आया। तीसरा वक्रोक्ति अलंकार आया, तो वक्रोक्ति अलंकार जो है इसमें भी दोस्तों अर्थ ये क्या कहते हैं, इसमें शब्द का खेल है, ये भी शब्दालंकार है, श्लेष अलंकार भी शब्द का अलंकार है, ठीक है, शब्दों का खेल है। वक्रोक्ति में भी जैसे एक एग्जांपल इसका आता है सपर अपर वाला, ठीक है, जब वो जहांगीर अपने दरबार में उसके दरबार में एक कबूतर हाथ में लेके उसका दरबारी आता है तो पूछता है कि कहाँ सपर है कहाँ अपर वाला, इस तरह से, ठीक है, तो वो पूछता है, एक उसके हाथ में कबूतर होता है, दूसरे कबूतर के बारे में पूछ रहा होता है वो, तो यहाँ पर सपर और अपर शब्द का इस्तेमाल होता है, इन्हीं का यहाँ पर को और जो है खेल होता है। उसके बाद श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द होता है उसी के उसी में दो शब्द, जैसे मोती मानुष चून वाला आपने सुना होगा, उसमें मोती का शब्द मोती के लिए भी यूज हो सकता है वहीं पर, और उसी में उसी अर्थ में दो अर्थ चिपके होते हैं उसी शब्द में, एक बार मोती के लिए दूसरा उसमें चमक के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए अगर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से जो है बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। अब भाषा परिवार आपने पढ़े होंगे, ठीक है, भाषा परिवार आपने पढ़े हैं, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी तो बिहारी तो इस तरीके से, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पूर्वी हिंदी की बोली दोस्तों यहाँ पर को बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और अन्य बोलियाँ भी आती हैं, तो इसमें एक आती है अवधी पूर्वी हिंदी में, ठीक है, अवधी आती है, प्लस इसमें छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद मगही यहाँ पर दिया है, मगही जो है बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, मगही किस में आती है, बिहारी में, और बिहारी के अंतर्गत मगही के अलावा एक तो भोजपुरी आती है, ठीक है, भोजपुरी आती है, दूसरा इसमें मैथिली आती है, ठीक है, भोजपुरी और मैथिली, भोजपुरी मैथिली और मगही ये बिहारी में आते हैं, पूर्वी हिंदी में बघेली अवधी और छत्तीसगढ़ी आ गई। उसके बाद बुंदेली यहाँ पर भाषा दी गई है, तो जो बुंदेली है ना ये पश्चिमी में आती है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में आती है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली के अलावा इसमें ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है, खड़ी बोली आती है, कौरवी आती है, ठीक है, ये सारी भाषाएं जो है किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है,
कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। इस बार बघेली पूछा, पूर्वी पूछा, अगली बार पश्चिमी पूछ सकता है, या किसी अगले एग्जाम में या किसी और भी एग्जाम में हिंदी जिसमें आती है कुछ भी पूछ सकता है, आप जान लीजिए। और भोजपुरी हमने पहले ही आपको बता दिया किसके अंतर्गत आती है, भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है अघोष वर्ण नहीं है। देखिए सबसे पहले अघोष वर्ण है तो अघोष और सघोष आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अघोष वो होता है जैसे जब हम बोलते हैं कोई चीज़ ना, जो हमारे स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें कंपन होता है, ठीक है, उनमें जब कंपन होता है तो उससे ध्वनि निकलती है, ठीक है। जब स्वर तंत्रियों में कंपन ना के बराबर हो तो उसको हम अघोष कहते हैं, ठीक है, कंपन ना के बराबर होता है इनमें, उनको हम अघोष कहते हैं। जब कंपन होता है, ज़्यादा मात्रा में कंपन होता है, उनको सघोष कहते हैं, ठीक है। तो जो ये अघोष वर्ण होते हैं ना, तो ये प्रत्येक वर्ग के फर्स्ट और दूसरे व्यंजन होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, तो इसके जो पहले और दूसरे व्यंजन होंगे, जैसे प वर्ग में प और फ पहला हो गया दूसरा, वैसे च वर्ग में च छ, ठीक है, तो ये फर्स्ट और दूसरे जो वर्ण होते हैं इनको हम अघोष कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि प फ अघोष होगा, ठीक है, य र अघोष है, ट ठ भी अघोष है, अब बचा कौन, स श, ये बच गए, ये सघोष हैं, ठीक है। इनको बोलने में कंपन ज़्यादा होगा, बेस बन जाएगा ना आवाज़ में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सघोष हैं, इनमें ज़्यादा मात्रा में ध्वनि निकल कंपन होता है, ठीक है, ध्वनि तंत्रों में। अगला है अल्प प्राण व्यंजन नहीं होते हैं। अब देखिए अल्प प्राण व्यंजन नहीं होते, अल्प प्राण क्या होता है, जब हम किसी व्यंजन का या कोई वर्ण बोलते हैं तो उसके उसको बोलने में हमारे मुख से हवा निकलती है, ठीक है, हवा निकल रही है, तो उस हवा में अगर बहुत ज़्यादा हवा निकल रही है तो वो हो जाएगी महाप्राण, अगर कम मात्रा में हवा निकलती है तो उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजन जैसे प्रत्येक वर्ग का इसमें जो है दोस्तों दूसरा जो वर्ण होता है उसको हम महाप्राण कहते हैं, बाकी उसके अलावा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और जो पांचवा वर्ण होगा उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण, ठीक है। आगे इसमें एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर आपको प्रश्न पूछने, 86 से 90 तक के इसमें आंसर दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी इस पर ध्यान देंगे दोस्तों। साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय, नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे विद्वानों के। मुद्रण कला के आविष्कार से पहले पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। मुद्रण कला के आविष्कार से पहले, यानी कि जब मुद्रण कला नहीं थी उसके आविष्कार से पहले बहुत कठिन हुआ होगा, मुद्रण कला के आने के बाद ये थोड़ा इजी हो पाया। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों, यानी कि किन दिनों, मुद्रण से पहले उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक को ही एक एक पुस्तक की तैयारी में ही लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभुति सुदूर स्थिर देशों से झुंड के झुंड विधानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। अब इसमें देखिए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है दोस्तों, का जो सही आंसर हो सकता है दोस्तों पुस्तकालय इसका सही जवाब होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ी सी इन्होंने चर्चा कर दी यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा सा पॉइंट ए ऑप्शन को भी मिल सकता है। बाकी आंसर की क्या कहती है, इस एक क्वेश्चन के अलावा कहीं पर आपको डाउट देखने को नहीं मिलेगा हमारे आंसर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के द्वारा भारत को क्या गौरव प्राप्त था दोस्तों। देखिए भारत को क्या गौरव प्राप्त था, हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है आपको, ठीक है। तो दोस्तों पुस्तकालयों के अलावा भारत जो है इसके कारण चीन, फारस आदि देशों से जो विद्यानुरागी थे तो वह भारत आया करते थे, ठीक है। भारत आया करते थे चीन, फारस आदि जगहों से जो विद्या को सीखने के लिए जो लोग आते थे,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो इसका आंसर पुस्तकालय और भारत भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए। इस पर मैं कुछ भी ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब जो है ये वाला हो जाता है, ठीक है, पैराग्राफ है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। पुराने समय में पुस्तकालय में अधिक व्यय क्यों होता था, मैंने आपसे कहा जब भैया उस समय मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी, हाथ से पुस्तकें लिखनी पड़ती थी, कितनी सारी प्रॉब्लम आती होंगी। तो मुद्रण की व्यवस्था नहीं होने के कारण ही ये सब होता था ना, तो पुस्तकालयों में अधिक व्यय इसीलिए होता था, मुद्रण की व्यवस्था नहीं होने के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पर सीधे सीधे सही हो गया। उसके बाद आगे, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाई साहित्य की उन्नति किससे होती है? आपको पता ही है पुस्तकालयों से होगी, ठीक है, पुस्तकालय होंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तकों जो है समाज को बदलने का कार्य करती हैं। ऑप्शन यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे है अगला, पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ? दोस्तों मैंने आपको बताया पुस्तकालयों का प्रारंभ कब हुआ था, जब लिपि का आविष्कार हुआ उसी के साथ ही पुस्तकालयों का प्रारंभ हो चुका था। देखिए मैंने उस समय अंडरलाइन करके आपको दिखाया था ना कि लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि लिपि के आविष्कार के साथ ही क्या हो गया था, जो है पुस्तकालय का प्रारंभ हो गया था, लोगों ने पुस्तकों को संग्रह इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कई लोगों की तो अपनी प्राइवेट पुस्तकालय भी, लाइब्रेरीज भी बन चुकी हैं या फिर हुआ करती थी पहले भी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे नया 30 क्वेश्चन जो हिंदी के सेकंड लैंग्वेज में आए हुए थे, जो प्राथमिक स्तर का जो टेट का पेपर था। मैंने जितनी मेरी समझ बूझ के अकॉर्डिंग हो सकता था उतना मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप डेफिनेटली लाइक तो आप कर ही देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, डिसलाइक करो या फिर कमेंट करके मुझे बता दो कि भैया यहाँ पर गलती रही आपसे, आप इसमें सुधार कीजिए, ठीक है। और मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, एलटी की प्रिपरेशन के लिए आपको मटेरियल हमारे चैनल पर मिलेगा। अगर जो लोग आपके भाई बहन दोस्त लोग अगर कोई एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम पे टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या अन्य प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको भी वीडियोज़ मेरे शेयर कीजिए, करा कीजिए, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।